गाइस, क्या आप अभी भी सोचते हैं कि ये होस्टिंग क्या है और इसे फ्री में कैसे पा सकते हैं, वो भी अनलिमिटेड बैंडविड्थ के साथ? और गाइस, होस्टिंग एसईओ के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है, तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो हाय गाइस, दिस इज शिवांश एंड यू वाचिंग टेक्निकल ट्रिक्स। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कमेंट ऑफ द प्रीवियस वीडियोस की बताना चाहूंगा। सो गाइस, प्रीवियस वीडियोस में मुझे कमेंट आया कि सर आप कितने साल से इस ये वेबसाइट का काम कर रहे हैं, इसका कोई प्रूफ अभी तक आपने दिखाया नहीं, तो हम लोग कैसे बिलीव कर लें कि हाँ सर आपने बहुत दिनों से वेबसाइट का एक्सपीरियंस है आपके पास। सो गाइस, चलिए मैं आपको अपनी एक पुरानी साइट दिखाता हूँ। बाकी सब साइट तो वर्डप्रेस भी थी और उसका डोमेन एक्सपायर होने के बाद मैंने उसे लिया नहीं और वो होस्टिंग डिलीट हो गई है। तो चलिए मैं अपना एक पुराना साइट दिखा देता हूँ जिसका नाम है shivanshking.blogspot.com, जो ब्लॉगर का ही है एक। और ये मेरी लगभग, मैं जब 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो गया था मुझे ब्लॉगर पर, तब मैंने इसे क्रिएट किया था। चलिए मैं इसके किसी एक पोस्ट को ओपन करके दिखाता हूँ, तभी पता चलेगा कि जैसे ये देखिए, इसमें तो ये पोस्ट है 2015-12, मतलब 2015 में 12 मंथ का पोस्ट है। सो गाइज, मैं अब इसके इस वेबसाइट के हिसाब से मैं 2015, बट मुझे 2007 से एक्सपीरियंस है वेबसाइट का और ब्लॉगर का। गाइज, अब बात करते हैं होस्टिंग की। तो गाइज, होस्टिंग होती क्या, जैसे ये कंटेंट है हाउ टू हैक वाईफाई 100% वर्किंग बाय एंड्रॉयड। अब इस चीज़ को मैंने लिखा है और ये जो टेस्ट फॉर्म है या इस पे जो फाइल अपलोड होगी वो कहीं स्पेस लेगी सेव होने के लिए, तो वो है होस्टिंग। एग्जाम्पल के लिए जैसे फ़ोन में होती है रैम, मेमोरी कार्ड और फ़ोन मेमोरी। तो रैम जो वेबसाइट को स्पीड देगी और उसका फ़ोन मेमोरी और मेमोरी कार्ड एक्सटर्नल बैंडविड्थ, वो आपको डेटा को स्टोर करने के लिए काम आएगा। अब गाइस, बात करते हैं कि होस्टिंग कौन सी बेटर रहेगी। गाइस, अगर आप इंडिया में रहते तो मेरा सजेशन माने तो GoDaddy, Namecheap और बिग रॉक पर ट्राई कर सकते हैं। और गाइस, होस्टिंग बेटर कौन सी रहती है, क्या होस्टिंग का रोल SEO में रहता है? तो जी हाँ, SEO में होस्टिंग का रोल रहता है। अगर आपकी होस्टिंग सही नहीं है, बैंडविड्थ सही नहीं है, तो आपका पेज स्पीड स्लो होगा और जिसके कारण वो आपकी वेबसाइट रैंक नहीं होगी। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन पर सब्सक्राइब पर क्लिक करके और टर्न ऑन ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिएगा। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग टेक्निकल ट्रिक्स।